subscribe to our channel and press the bell icon. Students, welcome to our YouTube channel. We are going to learn some basic words, beginner's words, which are an important part of our English speaking course. Let's begin. Some important beginner's English words, that is sure, yani zarur. हम आम जिंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वर्ड्स कौन से हैं? कोई पूछता है आपसे, डू यू लाइक टू दिस वर्क, डू यू लाइक टू डू दिस वर्क, क्या आप इस ये काम करना पसंद करेंगे? आप कहते हैं यू श्योर, ज़रूर. अगर आपसे कोई दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं जैसे कि इनफैक्ट, आप क्या कहते हैं? हकीकत में, असल में, दर हकीकत. इनफैक्ट आई एम बिज़ी, हकीकत में मैं मसरूफ़ था, यानी असल में मैं बिज़ी था. एनीवे, वैसे भी, बहरहाल. तो आप क्या कहेंगे? एनीवे, लेट इट, स्पेयर इट, बहरहाल इसे छोड़ दो. या फिर आप एक वर्ड और यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, थैंक यू, यानी धन्यवाद, किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू वेरी मच. तो अगर आपका किसी ने कोई काम कर दिया, जैसे कि आपको किसी ने कोई एडवाइस दिया, कोई अच्छा काम किया, तो आप क्या कहेंगे? शुक्रिया, थैंक यू. तो इस टाइप के वर्ड्स आप यूज़ करते हैं, या बिगिनर्स इंग्लिश वर्ड्स हैं जो डेली ये रूटीन में हम यूज़ करते हैं. अ फ्यू मोर वर्ड्स, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक. आप क्या कहते हैं? अगर किसी ने कुछ पूछा, एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से लाइक दिस, यानी मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ऐसे ही करूँ. एग्जैक्टली यू आर राइट, बिल्कुल ठीक, आप सही हो. उसके बाद एक्चुअली, वास्तव में, असल में. एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, या क्या कहते हैं? वास्तव में ये मुश्किल है, यानी असल में ये मुश्किल है, ऐसा भी कह सकते हैं. ऑब्वियसली जाहिर है. तो अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो आप क्या कहते हैं? ऑब्वियसली, यानी जाहिर है. और अगर किसी से कुछ बात को आपने इकरार करना है तो आप क्या कहेंगे? ओके, ओके मीन्स ठीक है, ठीक है. इस वर्ड को कहने के लिए आप ओके यूज़ करेंगे. सम मोर इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स, कुछ और डेली रूटीन के वर्ड्स कौन से हैं? यू नो, तुम्हें पता है, तुम्हें मालूम है. यू नो इट, क्या तुम इसे जानते हो? यू नो दिस बुक, क्या तुम ये किताब जानते हो? यू नो द रूट, क्या आप रास्ता जानते हो? इस टाइप से यूज़ करेंगे. बाय द वे, वैसे. बाय द वे वेयर आर यू गोइंग, वैसे आप कहाँ जा रहे हो? ऐसा आप जब क्वेश्चन करेंगे तो बाय द वे यूज़ करते हैं. लेट मी टेल यू, मैं आपको बता दूँ, या मैं आपको बताता हूँ, कैसे यूज़ करेंगे? लेट मी टेल यू, यानी मैं आपसे कहूँ, या मैं आपको बताता हूँ. लेट मी टेल यू द ट्रूथ, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ऐसे यूज़ करेंगे. एज़ यू लाइक इट, जैसा आपको पसंद हो, जैसे तुम पसंद करो. यू वॉन्ट बिलीव इट, आप विश्वास नहीं करेंगे, तुम यकीन नहीं करोगे. यू वॉन्ट बिलीव इट, इट इज़ फॉल्स, तुम यकीन नहीं करोगे कि वो झूठ था या वो झूठ है. अब इसकी एक्सरसाइज लेंगे, एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस. आर यू श्योर, यानी श्योर कैसा इस्तेमाल करेंगे? आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है? लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ. यू वॉन्ट बिलीव इट, तुम इस पर भरोसा नहीं करोगे, तुम इस पर यकीन नहीं करोगे. आई एम रेडी नाउ, मैं भी तैयार हूँ. बाय द वे आई एम बिज़ी नाउ, मैं अभी मसरूफ़ हूँ. एज़ यू लाइक इट, जैसे तुमको पसंद हो, या जैसे तुम पसंद करो. यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? एग्जैक्टली व्हाट आई हैव सेड अर्लियर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने इससे पहले कहा था. आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो ऐसे ही शॉर्ट इंग्लिश स्पीकिंग वीडियो लेकर हम आपके पास आते रहेंगे. हमारे बाकी के भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं. और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए. अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय.